हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अंडे की भुर्जी और पालक की दाल, जो दोनों ही हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। पालक हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हम इसे किसी भी तरीके से खा सकते हैं। ये हमें हर तरीके से हमें पौष्टिक देता है, बच्चे और बड़े दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अंडा तो हर तरीके से, वो भी हमें बहुत ही फाइबर और प्रोटीन देता है, इसीलिए आज हम बनाएंगे दाल के साथ भुर्जी, दोनों का कॉम्बिनेशन। और आप बना के बताइए कि मुझे कैसा लगा। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमने लिया है दाल, चने की दाल है ये। इसे हमने अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी से। अब हम इसे डालेंगे कुकर में। सारी दाल को हम अच्छे से कुकर में डाल देंगे। 200 ग्राम दाल है ये हमारी। आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है इसमें, आधा ही चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दिया है। हल्दी डालने से हमारे दाल का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे रख देते हैं पकने के लिए। फिर हम लेते हैं पालक। पालक को हम बराबर से रख लेंगे। इसकी जो जड़ होती है इसे हम निकाल देंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी थी और गंदा भी था। अब हम इसे पतला पतला काट लेंगे। सारी पालक को बारीक बारीक काटेंगे। पालक हमारे लिए कितनी पौष्टिक आहार है। आपने पालक तो बहुत सारी खाई होगी, दाल भी बहुत सारी खाई होगी, पर ये पालक की दाल कुछ अलग है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये हमारी पालक सारी अब हो गई है रेडी। इससे सबसे ज़्यादा खून बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, ताकि हम इसे अच्छे से धो सकें, क्योंकि इसे धोना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे रख देते हैं धोने के लिए। हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को बिल्कुल नहीं गलाना है, गली हुई दाल रहे और बिल्कुल खड़ी खड़ी दिखे भी, ऐसा रखना है। कलर भी कितना अच्छा आया है हमारी दाल का। अब हम लेते हैं एक प्याज, इसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करनी है हमें प्याज को। ये हमारी प्याज सारी हो गई है चॉप। हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। ये हमारी प्याज हो गई सारी अच्छे से चॉप। अब हम इसे साइड में रखते हैं प्याज भी। फिर हम लेंगे एक टमाटर मीडियम साइज़ का और 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हम काट लेंगे बारीक बारीक, छोटी छोटी स्लाइस में काटेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा तीखापन आएगा और दाल थोड़ी तीखी अच्छी लगती है। और हरी मिर्च हमारे पेट को ठंडा रखता है। अब हम चढ़ाएंगे गैस पे एक कढ़ाई। कढ़ाई को हम थोड़ा गर्म करेंगे पहले। आप मेरी वीडियो को पूरी देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये पालक की दाल कैसी लगी। अब इसमें 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो गया, फिर मैंने इसमें अपनी प्याज ऐड कर दी है। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजेंगे, ताकि ये प्याज हमारी अच्छे से गल जाती है। अगर गोल्डन ब्राउन आप करेंगे किसी भी चीज़ में, तो प्याज अच्छे से गलती है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मिर्ची। मिर्ची को भी डाल के हम चलाते रहेंगे, ताकि मिर्ची भी अच्छे से लाल हो जाए, कच्चापन ना रह जाए मिर्ची में। हमने जो मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अब हम उसे भी डाल के एक बार अच्छे से लाल करेंगे, ताकि हमारा टमाटर भी अच्छे से गल जाए। अब हम डालेंगे इसमें हमारी सारी पालक। हमने अच्छे से धो के छन्ने में छान लिया है, ताकि इसमें से जो धूल मिट्टी होती है निकल जाती है छन्ने से। अब हम इसे चलाएँगे डाल के, थोड़ा सा लाल करेंगे। जब लाल करेंगे तो इसमें पानी छोड़ने लगेगा। अब हम इसमें अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसे बंद कर देंगे। अब ये बहुत सारा पानी छोड़ेगा, बंद बंद पकेगा भी। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हो गई है पालक। पालक बहुत जल्दी बन जाती है। एक बार चला के हम इसे फिर बंद कर देंगे, ताकि ये अच्छे से पूरी कुक हो जाए। और इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा। अभी ज़्यादा नहीं डालना है, हमें चेक करके बाद में डालना है, पहले थोड़ा ही डालना है। ये देखिए हमारी पालक अच्छे से रेडी हो गई है। सारा पानी पालक ने छोड़ दिया। अब इसे तेज़ आंच पे हम भूंजेंगे। इसे अच्छे से हमें भूंजना है, ताकि इसका पानी ख़त्म हो जाए, वरना दाल के साथ थोड़ा कच्चापन आएगा। जब पानी ख़त्म हो जाए, अब हम इसमें अपने डाल लेंगे दाल। दाल को हम थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे इसमें। ये हमने सारी दाल को इसमें डाल दिया। ये चने की दाल है, याद रखिए इसे चने के दाल में ही बनाना है। अब हम इसे अच्छे से चलाएँगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, दाल हमारी थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी, इसीलिए हमने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है, ताकि हमारा कुकर भी अच्छे से साफ़ हो जाए। अब आप इसमें नमक ज़रूर चेक करिए, क्योंकि हमारे दाल में भी नमक था, हमने पालक में भी नमक डाल दिया था। अब आप इसे नमक चेक करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आप वीडियो को स्किप कहीं मत करना, नहीं फिर आपको पूरी वीडियो नहीं मिल पाएगी। अभी अंडे की भुर्जी बाकी है,
ये हमारी दाल हो गई रेडी। पर इसमें मेन ट्विस्ट बाकी है, हमारा तड़का। तड़का लगाना बहुत ही ज़रूरी है, हम इसे उबाल आने तक पकाएंगे। ये अच्छे से उबाल आएगी और पकेगी, थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे 1 से 2 मिनट, और इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपकने लगती है, क्योंकि चने की दाल बहुत जल्दी चिपकती है। अब हमने गैस को बंद कर दिया है, अब हम इसे निकालते हैं अपने बाउल्स में। हम इसे बाउल्स में निकाल के फिर तड़का लगाएंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट कढ़ाई में तड़का लगा सकते हैं, पर मैंने इसे एक बाउल में लगाया। अब हम करते हैं अपने तड़के की तैयारी। मैंने एक छोटा सा पैन रखा, उसे गर्म कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम 2-3 चम्मच देसी घी, इसे हम अच्छे से लाल कर लेंगे। फिर हम डालेंगे 1 चुटकी हींग, फिर डालेंगे हम इसमें जीरा 1 चम्मच, और तेज़ गर्म घी में डालना है ताकि डालते ही हमारा चटकने लगे। फिर हम डालेंगे इसमें लहसुन, कद्दूकस किया हुआ हमने 2-3 लहसुन ले लिया है, और इसे हम अच्छे से लाल कर देंगे। बिल्कुल लाल हो जाएगा तो हमारे लहसुन का जो स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाएगा, वरना कच्चापन रह जाता है। ये अच्छे से हम इसको लाल करेंगे, क्योंकि तड़का है इसलिए इसे लाल होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा अच्छे से हो गया लाल। फिर हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, पहले इसलिए नहीं डाल रहे थे कि इसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो जाती है, हमने लास्ट में डाला है फिर भी ये लाल हो जाती है, क्योंकि हमारा घी बहुत तेज़ गर्म था। अब हम इसे उठा के अपने दाल पे डालते हैं। ये हो गया हमारा तड़का, स्पेशल तड़का। आपने ऐसी दाल कभी नहीं खाई होगी, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। अब हम चलते हैं अपनी भुर्जी की तरफ। भुर्जी के लिए हमने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है, इसमें हमने डाला है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छे से हमें गर्म करना है, तेल हमारा गर्म है। हमने डाल दिया 1 चम्मच इसमें जीरा, जीरे को हम चटकने देंगे। जब हमारा जीरा चटकने लगे फिर हम डालेंगे 4 हरी मिर्च, वो भी बारीक कटी हुई, इसे भी हम थोड़ा लाल करेंगे, ये भी साथ साथ चटकने लगा। जब ये दोनों चटकने लगे फिर हम डालेंगे 2 प्याज, मीडियम साइज की प्याज, मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, हम इसे भी साथ में डाल देंगे। अभी हम इसे साथ में डाल के अच्छे से भूंजेंगे। अच्छे से जब इसे भूंजने लगेंगे तो इसमें से हल्की सी स्मेल भी आने लगती है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और हल्की हल्की प्याज को हमें ब्राउन करना है, जब प्याज हमारी ब्राउन होती है तो अंडे का टेस्ट ही कुछ अलग आता है। अभी हमें प्याज को ब्राउन करना है ताकि हमारी प्याज गल जाए, मैंने आपको पहले बताया था। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने इसमें 1/2 चम्मच डाला था। नमक प्याज में आप कभी भी डालेंगे तो हमारी प्याज बहुत जल्दी लाल हो जाती है। आप किसी भी चीज़ में अगर प्याज डाल रहे हैं तो उसमें नमक डाल दीजिए, प्याज आपकी बहुत जल्दी लाल हो जाएगी। इसी तरह देखिए हमारी प्याज कितनी जल्दी गोल्डन ब्राउन होने लगी है। जब प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होने लगे तभी इसमें हमें कुछ डालना है, पहले नहीं डालना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरी प्याज भूंज रही है। प्याज को हमें इसी तरह से भूंजते रहना है। जब हमारी प्याज भून जाए फिर मैंने लिया एक मीडियम साइज का टमाटर, वो भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे भी हम अच्छे से डाल देंगे पहले, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने से प्याज और ये टमाटर हमारा मिक्स हो जाता है, दोनों अच्छे से मसाले बन जाते हैं एक तरीके से। अब हमें इसे अच्छे से पकाना है और साथ साथ चलाते रहना है, क्योंकि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर आप रोक देंगे तो ये जलने लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही पानी है और टमाटर या प्याज हमारी एक जलने लगती है। इसी तरह हमें चलाते रहना है। फिर उसके बाद हमें एक मैशर लेना है, टमाटो मैशर है ये, इसे अच्छे से मैश कर देना है। मैश करने से ये सारे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, पूरा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें प्याज कहाँ है, टमाटर कहाँ है, ये पूरा एक मसाला तैयार हो गया है हमारा अच्छे से। इसे हम अच्छे से पूरा लाल कर लेंगे ताकि इसका पानी जल जाए। जब पानी ये जल जाए फिर हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, हरा धनिया लास्ट में डालना है ताकि ये जल ना पाए, नहीं फिर हरी धनिया बहुत जल्दी ही जल जाती है, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, इसीलिए हमें हरे धनिया को लास्ट में डालना है। जब हरा धनिया भी हमारा अच्छे से कुक हो जाए फिर हम इसमें अंडे डालेंगे। मैंने 2 अंडे डाले हैं, अपने इंग्रेडिएंट के हिसाब से मैंने 2 अंडे डाले हैं, आप उसी हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। हम 2 अंडे को फोड़ के इसमें डाल दिए हैं, अब उसे चलाते रहेंगे। अब हम चम्मच को रोकेंगे नहीं, बराबर से इसे चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ये हमारी भुर्जी जो होती है बहुत सी स्पेशल भुर्जी तैयार हो जाती है। आप मुंबई जाइए, कभी भी पाव भुर्जी ज़रूर खाइएगा, वहाँ पर वड़ा पाव और पाव भुर्जी बहुत ही मशहूर है। सुबह नाश्ते में आपको ये दोनों आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करिए, मैं आपको इसी तरह वड़ा पाव और सारी रेसिपी बताती रहूँगी। टाटा बाय बाय, ये हमारा हो गया तैयार।